हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत कुकरेती। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास हैं दो तरीके, एक है कॉन्कैटिनेट फंक्शन, दूसरा है एम्परसन। फुल नेम को लाने के लिए हम पहले कॉन्कैटिनेट फंक्शन को यूज़ करेंगे, इक्वल कॉन्कैटिनेट। देखिए दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। हम टैप को यूज़ करेंगे, टैप पुश करते ही सेलेक्ट हो गया फंक्शन। अब ये कह रहा है हमें टेक्स्ट वन को सेलेक्ट करने के लिए। टेक्स्ट वन को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा टेक्स्ट टू, देन कॉमा टेक्स्ट थ्री, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेम है भीम राव अम्बेडकर, उनके बीच में स्पेस नहीं आ रहा है। उस नेम के बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, जो कि इनकरेक्ट है। स्पेस को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे कॉमा के बाद स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमास के थ्रू। देख सकते हैं आप कैसे सेम हमें मिडिल नेम और लास्ट नेम के बीच में क्रिएट करना पड़ेगा, देन एंटर। फ्रेंड्स, आप अब देख सकते हैं कि जो नाम है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, भीम राव अंबेडकर। भीम स्पेस राव स्पेस अंबेडकर मींस फर्स्ट नेम स्पेस मिडिल नेम स्पेस लास्ट नेम, जो फॉर्मेट होता है कंप्लीट नेम या फुल नेम को लिखने का। दोस्तों, हम अब सीखेंगे एम्परसेंट में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। एम्परसेंट में इक्वल, इसमें भी दोस्तों पहले फर्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, देन एम्परसेंट का साइन, फिर स्पेस को रखने के लिए हमें यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पेस को एंटर करना पड़ेगा, एंड देन एम्परसेंड, देन अगेन स्पेस एम्परसेंड एंड लास्ट नेम। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल जो रिजल्ट है हमारा बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक बार फंक्शन दिखा देता हूँ। फर्स्ट टेक्स्ट, then ampersand and space, फिर ampersand second text middle name, then ampersand space and ampersand last name। दोस्तों, ऐसे ये दोनों functions means concatenate and ampersand काम करते हैं। अब हम इन दोनों को copy करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ठीक आ रहा है, APJ अब्दुल कलाम एंड नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोस्तों, इन जो इनके फॉर्मूलाज हैं बिल्कुल ठीक हैं, इसी वजह से ये देखिए आपने ऑटोमेटिकली ड्रैग करके जब हमने फॉर्मूले को नीचे पेस्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली ठीक आया है। अब हम यही फार्मूले जो एक और नाम है कपिल शर्मा, इसके लिए पेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्पेस है, एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ कि मिडिल नेम नहीं है यहाँ पे। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि इसमें मिडिल नेम नहीं है, तो अगर मींस सपोज हमारे पास ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हैं जिसमें कि कंटिन्यूटी में डाटा है, तो हम एक एक करके ये नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं कि मींस थ्री फर्स्ट नेम, लास्ट मिडिल नेम और लास्ट नेम के लिए अलग फार्मूला है, एंड जिनका मिडिल नेम नहीं है उनके लिए एक अलग फार्मूला, ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक ट्रिम फार्मूला लगा देंगे। ट्रिम सिर्फ दोस्तों क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट होगा सेल्स के बीच में, जो कॉन्कैटिनेट फंक्शन में हमने स्पेस जो पुट किया है और उसमें मिडिल नेम नहीं है, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट होगा वो ट्रिम फंक्शन को लगाने से एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो जाएगा। देख सकते हैं आप, जो हमारा पहले ऐसे आ रहा था, एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अब वो रिमूव हो गया है। इसी तरीके से एम्परसेंड का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया है, इसमें भी हम यहाँ पे अगर ट्रिम फंक्शन को यूज़ करें, ब्रैकेट क्लोज, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भी स्पेस जो है वो रिड्यूस हो गया है। अब हम इन दोनों फार्मूलाज को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बिल्कुल ठीक आ रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।